गिफ्ट मेरे को अच्छा लगे मैम। उससे अच्छा लाभ गुना अच्छा है मैम। कार्तिक आर्यन लास्ट में अच्छा दिखाया गया है, उसका रोल अलग दिखाया गया है। पहले आप देखेगा तो माधुरी को नाम दे रहा था मंजूका का, उसका नाम अच्छा लगा लास्ट में कार्तिक आर्यन का। कितनी हॉरर और कितनी कॉमेडी है? कॉमेडी मैम तो लास्ट में मेरे को दिखाया गया अच्छा लगा, डर भी ज़्यादा है उसमें लास्ट में। माधुरी जी भी है फिल्म में, वो किस तरीके से नजर आ रही है? माधुरी तो इतना हॉट है मैम, क्या बोल सकते हैं इसको। और जो हमारी ओजी मंजुली का है विद्या बालन, दोनों तो बहन रोल निभाया है अच्छा लगा उसको देख के लास्ट में, आप इतना बोल सकते हैं। फाइव में से आप कितने रेटिंग देंगे? मैं तो 10 देगा मैम। 5 में से 10। भूल भुलैया 3 अच्छी मूवी है, ओवरऑल अगर देखेंगे तो गुड मूवी, मज़ा आएगा देखने में। दिवाली के वैकेशन में फैमिली के लिए अच्छी मूवी है। क्या कहना है, भूल भुलैया 2 जब देखी तो भूल भुलैया ने 2 ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, ये भूल भुलैया 3 रिकॉर्ड तोड़ पाएगी बॉक्स ऑफिस में? भूल भुलैया 2 से बेटर तो नहीं है बट लेकिन ओवरऑल अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। बेटर नहीं, क्या लगता है? कॉमेडी पंचेस थोड़े कम है इसमें, कॉमेडी कम है, हॉरर है, एलिमेंट हॉरर का है लेकिन फर्स्ट और सेकंड के जैसा हॉरर नहीं है। सेकंड में तो हॉरर इतना नहीं था, कॉमेडी पंचेस ज़्यादा थे, इसमें कॉमेडी थोड़े कम है। पर्सनली माधुरी मेरे को पसंद नहीं इतना बट एक्टिंग अच्छी है। और हमारी जो ओजी मंजुली का है उसके बारे में क्या कहना है? वो अच्छा लगा उनको देख के, लेकिन जो फर्स्ट में उन्होंने एक्टिंग किया था वो लाजवाब एक्टिंग था, उसके वजह से एक्टिंग इसमें नहीं हो पाई है। आप कितने स्टार देना? मैं 3.5 स्टार दूंगा। सुपर सुपर एक्टिंग। बहुत अच्छी लगी, नाइस सुपर। ये सबसे अलग है और सबसे बेहतरीन है क्योंकि मूवी भाई देखने और मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि मूवी में मालूम है मोहिनी अपनी है माधुरी जी, क्योंकि इनको देखने के लिए बहुत कम अभी मिलता है, उनको मूवी साल में 2-3 तो आना ही चाहिए, और सबसे बेस्ट माधुरी जी का लगा और विद्या जी का भी अच्छा लगा लेकिन सबसे बेस्ट माधुरी जी का ही लगा जी। रूप वो तो एकदम सुपर, वो तो अपना भाई हीरो, वो उसका भी अच्छा है लेकिन कार्तिक आर्यन का भी कॉमेडी अच्छा है, हर कुछ अच्छा है लेकिन दोनों ने बहुत डराया है, बहुत है बहुत भाई। मूवी देखने वाली है और मैं यही लोगों को बोलूँगा भाई मूवी देख के आओ भाई, और एक आया नहीं महफूज मूवी देखने जरूर आना। Well, आपने तो कह दिया है कि भूल भुलैया 1 और 2 से काफी अच्छी है। उसकी बात करो तो बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़े थे, क्या लगता है भूल भुलैया 3 रिकॉर्ड तोड़े? हाँ तोड़ पाएगी, स्त्री को भी शायद तो ये पीछे छोड़ दे, हाँ स्त्री को, क्योंकि ये मूवी बहुत अच्छी है देखने वाली है। मैं 5 में से 5 दूंगा और सबसे बेस्ट माधुरी जी के लिए, क्योंकि माधुरी जी हम 2-3 साल के बाद उनको देख रहे हैं, हमेशा छोटे पर्दे पे दिखते हैं लेकिन पर्दे पे, क्योंकि उनकी 90 का एक टेम था। जी मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, एंटरटेनिंग थी बहुत, वो एक्सपेक्टेड था स्क्रिप्ट राइटर से एक्टर्स से, जो कॉमेडी डिलीवर करना था उन्होंने अच्छे से डिलीवर किया था, जोक्स हिट हुए थे, हंसी आई थी ऑब्वियसली, एंड ओवरऑल आई फील स्क्रिप्ट में थोड़े इम्प्रूवमेंट्स कर सकते थे बट जहाँ पे इमोशन दिखाना था वहाँ पे अच्छे से दिखाया था, जहाँ पे कॉमेडी करना था वहाँ पे अच्छे किया था इन्होंने, एंड अगेन आई फील कम्पेयर टू द सेकेंड पार्ट आई लाइक दिस वन, थर्ड पार्ट मुझे अच्छा लगा था कम्पेयर बिकॉज स्क्रिप्ट इनकी थोड़ी चेंज की थी, ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे लास्ट में तो वो देख के मुझे अच्छा लगा। ऑल्सो आई फील इसको मैं ओवरऑल रेट करूँगा 3 out of 5। यस मंजुलिका उन लोगों के लिए वेल अच्छा लगा वहाँ पे सबको देख के, सबकी एक्टिंग बहुत प्यारी थी, एंड एवरेज से हाँ विद्या बालन को देखे थोड़ा नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, फर्स्ट मूवी से देखा था मंजुलिका का देख के तो वो कैरेक्टर में आई थी, हमें लगा था कि मतलब वो ही मंजुलिका है, मतलब तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा सच क्या है तो। यस
आई फील ज़्यादा कॉमेडी था, हॉरर बहुत कम था. मतलब ऐसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग हॉरर ज़्यादा होगा, बट ऐसे दो तीन जगह पे ही मुझे वो जंप स्केयर बिल्कुल फील हुआ है. बट अदर देन दैट हॉरर आई थिंक कॉमेडी कॉमेडी साइड ज़्यादा था. राइट, या मूवी वॉज एवरेज, वेरी गुड, वर्थ वॉचिंग है. मैं तो सजेस्ट करूंगी आके देखो. कार्तिक आर्यन के लिए तो आओ, माधुरी विद्यावलन के लिए आओ. आपने कहा एवरेज, जानना चाहूंगी क्या और कहां कौन सी कमी रह गई. जो मैं हॉरर जो सोच के आई थी ना, वो उतना दिखा नहीं मुझे. लाइक यू नो ट्विस्ट बहुत, मतलब वो ड्रास्टिक चेंज हो, इमोशनल टच दे दिया, तो मोर देन डरावना मुझे कॉमेडी ज़्यादा लगी. बट स्टोरी वॉज गुड, आई कैन नॉट से द स्टोरी वॉज बैड. बट जो मैं सोची थी थोड़ा डरूंगी डरूंगी, वैसा डरा नहीं, डरावना नहीं था. हॉरर तो इतना नहीं था, आई कैन से 40% हॉरर था, 60% कॉमेडी थी. माधुरी, आई शी इज़ ऑल टाइम स्टार यार, शी इज़ टू गुड. हर डांस वॉज वेरी नाइस. आई मीन आई जस्ट केम फॉर दैट डांस ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी दैट फेस ऑफ ऑफ बोथ ऑफ देम. सो दैट वॉज वेरी गुड सॉन्ग एज इट इज़ विच इज़ माया. वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो उसके ऊपर उन लोग का डांस, इट वॉज लाइक वर्थ वॉचिंग. गुड. मंजुलिका तो सस्पेंस है, आप आके देखो मंजुलिका कौन है. हम लोग जान के आए तो हम लोग खुश हो गए, अभी हम लोग को मालूम है मंजुलिका कौन है. वो देखने के लिए आना चाहिए सब लोगों को. धू बाबा इज सल्यूट यार, टू गुड, ही वाज रियली, वो छा गया है मूवी में. यू नो जब बुलबुले 2 आएगी तो बॉक्स ऑफिस पे एक अलग ही बवाल मचा था. डू यू थिंक बुलबुले 3 उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा? या तोड़ेगा. पीपल लव टू वॉच नाउ कॉमेडी, स्ट्रेस फ्री होने के लिए मूवी देखने आएंगे ही आएंगे. I think so. He can pull people in the theater, I feel. Okay. आप कितने स्टार्स देना चाहोगे? I would like to give 3.5-4 approx. Thank you. बुलबुलैया 3 अच्छी फिल्म है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, तो अपने परिवार के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए और हंसते हंसते वापस आइए. कंपेयर आमतौर नहीं करता हूँ. 1 सबसे पहली मूवी थी, तो उस पर एक नयापन होता है हमेशा, और फिर सेकंड और थर्ड में नएपन को बिल्ड करते हो आप. तो इस कहानी में देखा जाए तो जो क्लाइमैक्स था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं था. जो कैरेक्टर्स होते हैं, हम जब मूवी देखने जाते हैं तो हम कुछ और सोच के जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो हमको कुछ एक नई चीज़ निकल के दिखने में आती है उसमें. तो जी तृप्ति और कार्तिक ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की फिल्म के अंदर. और विद्या जी तो छा ही रही हैं पूरी फिल्म में, क्योंकि उनके पास स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा था. माधुरी जी का स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन विद्या जी और माधुरी जी का जो डांस सीक्वेंस था वो बहुत प्यारा था. और म्यूज़िक सॉन्ग्स वगैरह भी अच्छे हैं, बड़े मतलब वो आप जबान पर रह जाता है. आप कितना स्टार देंगे? 3.5-4 स्टार तो मिलने चाहिए कम से कम. बहुत बहुत अमेजिंग मूवी थी, क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल मैसेज दिया गया है कि हमें हर किसी के फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जो जैसा फील कर रहा है उसके लिए उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए. और जो ऐसा एंडिंग हमेशा हॉरर मूवी की होती है ड्रामेटिक सी, जला के मार के, वैसा नहीं हुआ है. इसमें बहुत ही इमोशनल और ब्यूटीफुल टच हुआ है कि बुरी चीज़ों को हम लोग अच्छाई से भी ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा बताया है. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छी थी, कॉमेडी थी, बट इसमें जो मैसेज दिया है उसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा पसंद आई है. बोथ आर परफेक्टली बैलेंस इन हियर, या दोनों परफेक्टली बैलेंस किया गया. कार्तिक आर्यन का जो सेकेंड रोल है वो बहुत अमेजिंग था, बहुत प्यारा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया. एंड ऑब्वियसली आमी जो तुम्हारे सॉन्ग द क्लासिकल डांस ऑफ विद्या बालन जी एंड माधुरी दीक्षित जी, दैट वॉज अमेजिंग. आई लव क्लासिकल डांस नो. एंड द कॉमेडिक पार्ट विल बी, आई विल से दैट छोटा पंडित छुट्टिया वाला, दैट्स माई फेवरेट. एंड आप कितने स्टार्स देना चाहोगे? ऑल 5.